नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब सोमू नाम का लकड़हारा रहा करता था। नरको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वो रोज सुबह जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। एक दिन, अरे भाई आज तो सारी लकड़ियों को काट ही दूंगा। हाँ, आज ले बेचकर जो भी पैसे आएंगे उर्मिला को उनसे ताजा मछली लाकर दूंगा। बेचारी कब से बोल रही है, खुश हो जाएगी। सोमू को इस आस में कि ज्यादा लकड़ी काट कर आज ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। तभी सोमू के पास एक सेठ भागते हुए आता है, जिसके हाथ में एक धन की पोटली थी। अरे भाई मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं भाई, जल्दी करो भाई। अरे अरे सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से उस बड़े पेड़ के पीछे छिप जाइए। सेठ पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी वहां चार लुटेरे डाकू आ जाते हैं। क्यों रे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते हुए देखा है, बता मैं। नहीं नहीं डाकू महाराज, मैंने तो किसी भी सेठ को यहाँ से भागते नहीं देखा। तभी एक डाकू जो तोतला होता है। अले तो लक्कल हाले, तुम तत बोल रहे हो ना, उस सेठ के हाथों में एक दंती तोतली भी थी, अगर तुमने हमें धूत बोला तो तुम्हारी थैल नहीं। हाँ थंबे तुम, हम लुटेले दातू हैं। हाँ लुटेले दातू। डाकू भाई जरा रुक कर बोलोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा, मुंह से सुपारी फूंक दो ना। ताले मेला मदाद बना ता ताले है तू लुक डला, मैं अभी बताता हूँ तुमको, जल्दी से उस पेट का पता बता। नहीं नहीं डाकू महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से किसी भी सेठ को भागते नहीं देखा जिनके हाथों में धन की पोटली हो। लगता है आप जिस सेठ की बात कर रहे हैं वो किसी और दिशा में चला गया होगा। कुत्ता, लगता है ये लकल हाला ठीक बोल रहा है, वो थे दलोल तू थी दिशा में ही गया होगा, चलो यहाँ थे। अच्छा ठीक है चलो फिर यहाँ से, वो सेठ बचकर जाना नहीं चाहिए, हमें उसकी वो धन की पोटली चाहिए। जिसके बाद सभी लुटेरे डाकू वहां से चले जाते हैं। तभी सेठ पेड़ के पीछे से निकल कर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। लेकिन सेठ जी आप उन डाकुओं से ऐसे भाग क्यों रहे थे, और वो डाकू आपके पीछे क्यों पड़े? अरे भाई मैं दूसरे गांव का एक सुनार हूँ, आज मेरी दुकान में कुछ लुटेरे डाकुओं ने मेरा धन लूटने के लिए हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा, और जितना भी धन मेरे पास था सब इस पोटली में बांध लिया और भागते भागते इस जंगल में आ गया, और लुटेरे डाकू भी मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गए, वो मुझसे मेरे धन की ये पोटली लूटना चाहते हैं। सेठ जी वो डाकू आपको ही ढूंढ रहे हैं, ज्यादा देर यहाँ रुकना सही नहीं होगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जिसके बाद वो सेठ सोमू के साथ उसके घर जाता है। तभी सोमू की पत्नी सोमू से, अजी आ गए आप, मैंने आपसे कहा था ना मुझे आज मच्छी ही खानी है, और ये क्या आप किसे अपने साथ लाए हैं जी? तभी सोमू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी सेठ के हाथों में धन की पोटली देखती है, और उसके मन में उस धन की पोटली को लेकर लालच आ जाता है। अरे वाह, इस सेठ के धन की पोटली में तो बहुत धन लगता है, अगर ये धन मेरे हाथ आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना, हाय हाय हमारे तो मजे ही आ जाएंगे। हाँ अरे सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ हमारे घर में रुक सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ लुटेरे डाकू आ गए तो आपके इस धन की पोटली को वो लूट कर ले जाएंगे, आप अपनी इस धन की पोटली को मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ, न जाने कब यहाँ डाकू आ जाए। तभी सोमू अपनी पत्नी के मन के लालच को भांप लेता है। नहीं नहीं सेठ जी आप एक काम कीजिए, मेरे घर में ही एक गड्ढा खोदकर उसमें ही अपनी ये धन की पोटली छुपा दीजिए, वो डाकू कभी नहीं जान पाएंगे आपने अपने धन की पोटली कहाँ छुपाई है। हाँ ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी इस धन की पोटली को तुम्हारे घर की जमीन में गड्ढा खोद कर छुपा देता हूँ।
सेठ जी अब आप आराम कीजिए। तभी सेठ की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। सोमू सेठ की धन की पोटली जिस जगह छुपाई थी वहां खड़ा रखवाली करने लगता है। अरे अगर डाकू आ गए तो सेठ के साथ साथ मैंने जो जमा पूंजी लकड़ी बेचकर वर्षों में जमा की है वो भी चली जाएगी। नहीं नहीं मैं ये नहीं उन्हें दे सकता। जिसके बाद सोमू एक पोटली में अपना धन वहीं जंगल में छुपा देता है जहां वो लकड़ियां काटा करता था। वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वो धन उसमें छुपा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद सोमू के घर पर चारों लुटेरे डाकू आ जाते हैं। अरे ओ लकड़हारे, उठ, तूने हमें धोखा दिया है। वो सेठ तेरे ही घर आया था। बता, वो कहाँ है? अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लुटेरे डाकुओं का सरदार नाम है मेरा। अच्छे अच्छे की टाएं टाएं फिस कर देता हूँ। और तू मुझसे ही होशियारी करने चला था। सोमू डाकुओं की ये बात सुनकर चौंक जाता है। अपने आसपास देखता है, उसे कहीं भी सेठ नजर नहीं आता। अरे वो सेठ जी कहाँ चले गए? हे भगवान, लगता है वो सेठ जी भाग गए। अब ये लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। अले तलदाल, लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। वो तेत कहाँ है? गांव के लोगों ने तेत को इसके थात ही देखा था। तलो तलकाल, इसे उठाकर अपने थात लिए तलो। नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता वो सेठ का है, उस सेठ की धन की पोटली का है। मुझे नहीं पता सरकार, वो सेठ थोड़ी देर पहले तो यही था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कहां गया। डाकू महाराज माफ कर दीजिए मुझे। तभी सोमू की पत्नी वहां आती है और डाकुओं के उस्ताद से कहती है, नहीं नहीं छोड़ दीजिए इन्हें, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, आपको सेठ की धन की पोटली ही चाहिए ना। धन की पोटली यहाँ मेरे घर में जमीन के नीचे गड़ी दफन है। आप उस पोटली को ले जाइए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। अच्छा, तो तेत ने धन की पोटली यहाँ छुपाई है। उस्ताद मैं बोलता हूँ, जल्दी से जमीन खोद कर निकाल लीजिए धन की पोटली। तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से जमीन खोदना चालू करो बे। तभी वो डाकू सोमू के घर में जमीन खोदने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आखिर कहाँ गई सेठ की धन की पोटली? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम दोनों उस सेठ का धन अकेले ही हड़पना चाहते हो। हम लुटेरे डाकू हैं, हमारे साथ होशियारी करते हो। अले तलकाल, ये दोनों पति पत्नी हमारे साथ मदाक पे मोद में नजर आते हैं। इन्हें नहीं पता हम तो एक मामूली दातू नहीं है, हम लुटेले दातू हैं। देखो तुम दोनों, सीधे सीधे बता दो कहाँ छुपा लगा है खेत का धन, वरना तुम दोनों अपनी दान से हाथ धो बैठते। हाँ, तभी वहां पर सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर सोमू और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। अच्छा हुआ थे तुम ही यहाँ आ गए, वरना हमारे उत्ताद तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालते। हाँ हाँ, डाकू महाराज अब इन दोनों मासूम पति पत्नी को छोड़ दीजिए। इन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहाँ छुपाया। जब सोमू की आंख लग गई थी तो मैं खुद ही उठकर अपने धन की रखवाली करने लगा और मैंने तुम्हें आता देख लिया था, इसलिए मैं अपने धन की पोटली उठाकर वहां से भाग गया। तुम चलो मेरे साथ डाकू महाराज, मैं आपको अपने धन की पोटली देता हूँ, लेकिन सोमू को छोड़ दो। जिसके बाद सेठ और सोमू उन चारों डाकुओं के साथ उसी जंगल में जाते हैं जहाँ सोमू लकड़ी काटा करता था। ओए सेठ, थकल बता कहाँ छुपाई है तुमने धन की पोटली, जल्दी बता, दिमाग की थोथी मत कर बता रहा हूँ। हाँ डाकू महाराज, मैंने अपने धन की पोटली यहाँ जंगल में जमीन के नीचे छुपा दी थी। मेरी धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। सोमू सेठ की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तो वही जगह है जहाँ पर सोमू ने अपना धन छुपाया था। अच्छा, हमसे होशियारी करता है, हम लुटेरे डाकू हैं। हाँ सेठ, अब देख
हम तेरा सारा धन ले जाएंगे। तभी डाकू जंगल में जमीन खोदकर वो धन की पोटली निकालते हैं। तभी सोमू ही देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो सोमू की ही धन की पोटली थी। हे भगवान, ये तो मेरे ही वर्षों की जमा पूंजी से जमा किया हुआ धन है, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया है। हाय हाय, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अले वाह, हमें तो माल मिल गया। देखो तलकाल, ये लहा तेल का तना। हाँ। अरे हाँ, चलो यहाँ से, इतना धन तो हमारे लिए पर्याप्त है। आखिरकार हमने सेठ का धन लूट ही लिया। हाँ। जिसके बाद वो डाकू वहाँ से सेठ के धन की पोटली लेकर चले जाते हैं। सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन न देकर उन लुटेरे डाकुओं को मेरी बहुत मेहनत से जमा की हुई पूंजी को ले जाने दिया और अपना काफी सारा धन न जाने कहाँ छुपा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी, अब मैं क्या करूंगा? अरे अरे सोमू, तुम दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। जब तुम यहाँ इस जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी वक्त मेरी आँख खुल गई थी और मैं भी तुम्हारा पीछा करता करता यहाँ आ गया था। मैंने सब देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं वापस तुम्हारे घर जा रहा था तो मैंने देखा कि वही लुटेरे डाकू गांव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। मैं जान गया था कि अब ये मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर ही आएंगे, इसलिए डाकुओं के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही अपना छुपाया हुआ धन तुम्हारे घर से निकाल कर ले गया था। लेकिन मुझे मालूम था बिना धन लिए लुटेरे डाकू वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने धन के बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे धन से कई गुना अधिक था। तभी सेठ अपने कुर्ते की जेब से धन की पोटली निकालता है और पोटली में से काफी सारे सोने चांदी के जेवर सोमू को देता है। ये लो सोमू, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू लेकर गए हैं, ये उनसे कई गुना ज्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। ये देखकर सोमू बहुत खुश हो जाता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन न देकर मेरा धन का रास्ता उन्हें बता दिया, तो आपने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन आपने तो मुझे ये सोने चांदी के जेवर देकर मेरी नैया ही पार लगा दी है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ बनाया है। इसके बाद सोमू अपनी पत्नी उर्मिला के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।